उज्जैन में बोलेरो में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें बोलेरो गाड़ी में सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि उज्जैन के सेठी नगर क्षेत्र से गुजर रही बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। हादसा रविवार रात लगभग 8 बजे का है और रास्ते से गुजर रही बोलेरो गाड़ी में अचानक आग पकड़ ली। आग इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह से फैल चुकी थी और कुछ ही देर में बोलेरो जीप पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल कर्मियों के साथ आग पर काबू पाया। इस दौरान गाड़ी में सवार दोनों युवक संदीप नाथ और रंजन महापौत्रे बिजली कंपनी में पदस्थ हैं और दोनों ही सेठी नगर में किराए के मकान से रहते हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बोलेरो की किसी कार से टक्कर हुई। इसके बाद कार सवार युवकों ने दोनों इंजीनियरों को पीटा भी था। ऐसे में आग लग गई थी और आग लगने के कारणों की जांच के बाद ही अब यह स्पष्ट हो पाएगा। बोलेरो में सवार दोनों युवकों का कहना है कि वे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर वाहन चला रहा था। माधुनगर पुलिस जांच में जुटी हुई है, इसके बाद ही घटना स्पष्ट हो पाएगी। साढ़े 8-9 बजे की घटना की बात है। सेठी नगर चौराहे पर एक बोलेरो गाड़ी जो कि चालू हालत में थी, जिसमें अचानक आग लग गई थी। वो किस कारण से लगी थी, उसमें आगजनी कायम की जा करके जांच की जा रही है। उसमें जो दो चालक थे उनकी तरफ से आगजनी की कायमी की गई है और उसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके बाद विधानिक कार्रवाई की जाएगी।